हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय चैनल अदितिज वर्ल्ड। और आज मैं इडली, डोसा, सांभर एंड ग्रीन चटनी बनाने वाली हूँ मेरे मम्मी के साथ। मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे पहले गाइस हम लोग है ना सांभर बना रहे हैं। गाइस इसके लिए हमने पहले एक छोटा बाउल तुअर की डाल ली है और उसको 3 से 4 बार अच्छे से धोया है। और अभी इसको हमको बॉईल करना है, तो इसके लिए हमने इसमें 1 गिलास पानी मिलाया है और थोड़ा सा हींग डालना है गाइस, और फिर थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना है। और फिर लीड लगा के इसको मीडियम फ्लेम पे हमें 3 से 4 सीटी लेनी है मीडियम फ्लेम पे। गाइस ये अभी हमने 3 से 4 सीटी ले ली है, 3 सीटी ले ली है एक्चुअली हमने। और अभी ये कुकर ठंडा होने के बाद हम ओपन कर रहे हैं। और अभी इसमें हम लोग सब्जियां डालेंगे जो सांभर में डालते हैं हम लोग। मतलब वैसे तो आपके चॉइस के अकॉर्डिंग आपको डालना है सब्जियां, बट यहाँ पे मैंने एक ड्रमस्टिक लिया है छोटे छोटे टुकड़े करके उसको पिल करके, और एक गाजर लिया है, और थोड़ा सा लौकी लिया है मैंने, मतलब हमें जितना चाहिए उतना। और ये सब सब्जियां हमें इसमें डालनी है और वापस एक बार एक सीटी लेके हमें इन सब्जियों को ये दाल के साथ बॉईल करना है। अभी ये सब्जियां डाल के हम मिक्स करेंगे और फिर वापस लीड लगा के 1 सीटी लेंगे हम लोग, और वो एकदम लो फ्लेम पे लेने हैं हमें गाइस। गाइस अभी हम लोग ग्रीन चटनी बनाने की तैयारी करते हैं। उसके लिए मैंने एक पूरा कोकोनट लिया है ग्रेट करके, फिर थोड़ा सा कड़ी पत्ता, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना लिया है, और 7 से 8 हरी मिर्च लिए, और ये है डाल, मतलब इसको मराठी में डाल बोलते हैं, तो ये चने के जैसे रहता है। अगर आप शॉप पे जाके बोल दोगे तो इजीली दे देंगे आपको। अभी ये सब मिक्स करके हमें इसकी चटनी बना लेनी है गाइस। और हाँ, 7 to 8 गार्लिक्स भी लेने हैं हमें, वो एक्चुअली मैं लेना भूल गई तो मैंने अभी लिया है। और ये भी डालेंगे हम इसमें, और जब भी हम लोग मिक्सर में ये लगाएंगे तभी एक बार थोड़ा मिक्सर में लगाने के बाद फिर सेकेंड टाइम जब लगाएंगे तभी थोड़ा सा हमको इसमें सॉल्ट डालना है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। फिर इसको वापस से हमको पीसना है। गाइज ये हमारी ग्रीन चटनी बन के रेडी है, पीस के रेडी है, और अभी हम लोग इसको तड़का देंगे। और ये देखिए गाइस, यहाँ पे हमारा डोसा एंड इडली का बैटर भी रेडी है। ये एक्चुअली हमने कैसे बनाया था, तो ये जब हम लोग बना रहे थे उसके पिछले दिन हमने 2 बड़ा बाउल चावल लिया था और 1 बड़ा बाउल उड़द की डाल ली थी। वो दोनों को अच्छे से वॉश करके, 3 से 4 बार वॉश करके 4 घंटे के लिए भिगो के रखा था। फिर वो भीगने के बाद उसको हमने मिक्सर में डाल के पीस लिया और ये ऐसा बैटर बना लिया। बैटर को हमने पूरा ओवरनाइट रखा था और सुबह में ये देखो इतना ये इसका बैटर हो गया। मतलब ये जब रात में हमने रखा था तब ये पूरा हाफ था, और अभी गाइज ये पूरा भर गया है, थोड़ा सा ही बाकी है, नहीं तो ये पूरा भर गया है। तो ये आटा जो है वो बढ़ गया था गाइज, और अभी हम लोग इसमें से थोड़ा सा जो आटा है वो निकाल के रखेंगे ये बैटर, क्योंकि इतना तो हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, थोड़ा सा यूज़ करेंगे, इसलिए ये मम्मी यही करे, थोड़ा सा निकाल के रख रही है और ताकि हम लोग बाद में इसका यूज़ कर सकते बनाने के लिए। और गाइस फिर इसमें ना थोड़ा सा हमको नमक मिलाना है टेस्ट के लिए, क्योंकि वो फिर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए थोड़ा सा टेस्ट के लिए नमक मिलाना ज़रूरी है। और फिर थोड़ा सा इसको है ना गाइस, क्योंकि ये बहुत ही थिक बैटर है, इसको थोड़ा सा हम लोग पानी डाल के मिक्स करेंगे ताकि थोड़ा सा ये लाइट हो जाए। और देखो गाइस, हम लोग को इडली बनानी है तो इडली के लिए थोड़ा सा थिक ही बैटर चाहिए, इसलिए पहले हम लोग इडली बना के लेंगे, और डोसे के लिए थोड़ा सा थिन चाहिए, तो पहले हम लोग इडली बना लेंगे, उसके लिए थोड़ा सा थिक बैटर रखेंगे, और फिर उसके बाद डोसे के लिए हम लोग को थोड़ा सा पतला बैटर करना पड़ेगा, वो हम लोग बाद में कर लेंगे। और यहाँ पे गाइस देखिए, मेरी मम्मी है यहाँ पे एक छोटा सा लेमन का टुकड़ा डाल रही है बर्तन में इडली के, क्योंकि ये बर्तन ख़राब ना हो जाए। और फिर अभी हम लोग इडली बनाएंगे, तो ये इडली की इडली का जो साँचा है, मतलब मराठी में इसको साँचा ही बोलते हैं और क्या बोलते हैं आई डोंट नो, तो इसमें अभी हम मम्मी ने थोड़ा सा ऑयल लगाया ताकि ये जो इडली है वो नीचे स्टिक ना करे, इसलिए फिर अभी इसमें भर के हम लोग ये उस बर्तन में रख देंगे फॉर 15 मिनट्स, और फिर 15 मिनट के बाद देखते हैं हमारी इडली कैसी हुई है वो।
ओके सो गाइस, अभी हम यहाँ पे चटनी बनाने वाले, जो हमने ग्रीन चटनी पीस के ली है उसको हम लोग अभी तड़का देने वाले हैं। सो उसके लिए हमको एक कढ़ाई लेनी है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के गरम करना है और फिर उसके अंदर थोड़ा सा राई डालनी है। राई पॉपअप होने के बाद उसमें हम लोग कड़ी पत्ता डाल देंगे और फिर उसके बाद थोड़ा सा हींग डालना है हमें गाइस, और फिर जो हमारी पीसी हुई चटनी है वो हमें डालनी है। और ये डालने के बाद मिक्स करना है इसको, और फिर गाइस हमको जितना थिकनेस चाहिए या फिर हमें थोड़ा पतला चटनी चाहिए तो उसके हिसाब से हम लोग इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, और वो तो आपके ऊपर है, आपको जैसा चाहिए, थिक चाहिए, थिन चाहिए, जैसा भी चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड कर सकते हो। और थोड़ा सा नमक भी ऐड करना है आपके टेस्ट के हिसाब से, और फिर इसको थोड़ी देर अच्छे से पकाना है और ये हमारी फिर ग्रीन चटनी रेडी हो गई। सो गाइज, अभी हमारी चटनी तो बन गई, अभी यहाँ पे हम लोग सांभर बनाने वाले हैं, और सांभर के लिए हम लोग ने पहले ही दाल और वो सब्जी सब बॉईल करके रख दिया है। अभी यहाँ पे हम लोग इसको तड़का देंगे, तो एक पैन लेना है, पैन में थोड़ा सा ऑयल गरम करना है, फिर उसमें थोड़ा सा राई, थोड़ा सा जीरा डालना है, वो पॉपअप होने के बाद यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालेंगे, और ये रेड चिलीज डाला है हमने, अगर आपको नहीं डालना है तो आप नहीं भी डाल सकते, बट डालना क्योंकि अच्छा लगता है वो। फिर उसके बाद थोड़ा सा मेथी का दाना डालेंगे हम लोग, और उसके बाद थोड़ा सा कांदा डालना है हमें यहाँ पे, अनियन हमने यहाँ पे एक अनियन लिया है, और ये फिर अच्छे से फ्राई करना है। फिर फ्राई करने के बाद इसमें हम लोग ने ये टमाटो डाले हैं, टमाटो भी एक ही लिया था हमने छोटा सा, तो टमाटो डाल के फिर उसको मिक्स करना है हमको। और गाइज़, हमारा यहाँ पे इडली भी रेडी हो गया है, और अभी मैं एक नाइफ़ लेके यहाँ पे थोड़ा चेक करूँगी कि ये अच्छे से कुक्ड हुआ है कि नहीं। ये देखो, नाइफ़ अच्छे से हमारी क्लियर निकली है, मतलब ये बिल्कुल भी स्टिक नहीं हुआ है हमारे नाइफ़ को, मतलब ये इडली अच्छे से पक गई है अंदर से भी। सो ये देखो, और यहाँ पे हमारा ये जो टोमेटो कांदा वगैरह है ये भी अच्छे से कुक्ड हुआ है, इसको हम लोग ने ढक के 3 से 4 मिनट के लिए रखा था क्योंकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, तो ये जो हमारे टोमेटोज़ है वो भी अच्छे से ढल गए हैं। अभी इसमें हम लोग ने जो बॉईल किया हुआ ये दाल एंड सब्जी वगैरह है ये हम लोग को इसमें मिक्स करना है, और ये मिक्स करने के बाद हम लोग इसमें जो जो मसाला हमको डालना है वो सब डालेंगे हम लोग। तो अभी पहले ये दाल डालने के बाद मिक्स करना है हमको थोड़ा सा। ये देखो गाइज, ये हमारा जो दाल है बहुत ही थिक है, और सांभर आपको पता है ये बहुत पतला होता है, तो हमें इसमें थोड़ा सा पानी मिलाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही थिक है, तो अपने हिसाब से हमें जितना चाहिए उतना हम लोग पानी डाल सकते हैं। फिर गाइज हम लोग इसमें मसाला डाल रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 1/2 चम्मच हल्दी लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर ली है, 2 बड़े चम्मच हमने यहाँ पे सांभर मसाला लिया है, और 1 बड़ा चम्मच हमने यहाँ पे रेड चिली पाउडर ली है। वो अपने हिसाब से डालना है मसाले आपको, मतलब जैसा चाहिए, मतलब तीखा चाहिए ज़्यादा या फिर कम चाहिए, उसके हिसाब से आप आपके हिसाब से मसाले डाल सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड करना है आपको तो भी आप कर सकते हो, और फिर अकॉर्डिंग टू टेस्ट हमको इसमें नमक डालना है। और गाइस, फिर मिक्स करने के बाद ये हमें इसमें थोड़ा सा इमली का पेस्ट आता है वो डालना है, मतलब आप घर पे भी जो इमली रहती है उसका भी आप घोल निकाल के इसमें मिला सकते हैं, या फिर ये हमारे पास तो हम लोग ने बाहर से लाया था, तो ये मैंने 2 बड़े चम्मच डाले हैं इसमें। और यहाँ पे हमें इसमें थोड़ा सा गुड़ भी मिलाना है क्योंकि वो अच्छा लगता है, फिर थोड़ा सा ऐसा मीठा टेस्ट आता है तो वो अच्छा लगता है। और गाइस, फिर हमें जितना भी इसका कंसिस्टेंसी चाहिए, मतलब जितना थिक चाहिए हमें या फिर थिन चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, और फिर मिक्स करके हमें 7 to 8 मिनट्स इसको पकाना है मीडियम आँच पर, और फिर ये हमारा सामान रेडी हो गया। ओके सो गाइस, अभी हम लोग चलते हैं हमारे लास्ट स्टेप की तरफ जो कि है डोसा। सब हमारा रेडी हो गया है, अभी सिर्फ डोसा बाकी है, तो ये बनाते हैं चलिए। तो इसके लिए मैंने एक पहले पैन गरम करने के लिए रखा था 5 मिनट, फिर गरम होने के बाद मैंने उस पर थोड़ा सा ऑयल लगाया है, ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है गाइस, थोड़ा सा ही ऑयल लगाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे बैटर स्प्रेड करना है हमें सर्कल में, और थोड़ा सा मैंने साइड से ऑयल छोड़ा है क्योंकि ये स्टिक ना करे पैन को। और उसके बाद 1/2 मिनट मैंने हाई फ्लेम पे इसको पकाया है, और फिर देखो गाइस ये इजीली निकल रहा है गाइस। फिर इसको हमको फ्लिप करना है, और फिर हाई फ्लेम पे इसको
आधा मिनट ही पकाना है और फिर ये हमारा डोसा रेडी हो गया गाइस। देखिए सो गाइस, ये रेसिपीज़ हमने हमारे तरीके से बनाए हैं। आई होप आपको पसंद आए होंगे। प्लीज़ घर पे ज़रूर ट्राई करना एंड मेरी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल अदितिज़ वर्ल्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़। बाय बाय, टेक केयर।